नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में सूर्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की EBS पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक कक्षा 5 से पाठ्यक्रमक 1 इतिहास किसे कहते हैं पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है, जिसमें कि पुराने समय या हमारे भूतकाल में या हमारे पुराने समय में जो काम होते थे वो कैसे होते थे, अभी क्या अभी हो रहे तो वो कितना अंतर होगा, इतिहास के बारे में बताने का प्रयास किया है। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है, जिसमें कि बच्चों को बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। हम समझते हैं कि आपने पाठ से संबंधित बच्चों को विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की जानकारी दे दी है, बता दिया है, और अब आप बच्चों का पाठ का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं। पुनः अध्ययन कराने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया है जिसको आप हमेशा ही करते हैं, वो है गृहकार। गृहकार आप बच्चों को देते हैं, बच्चे घर से करके लाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है बच्चों को गृहकार करना अच्छा नहीं लगता है, तो क्यों ना गृहकार की प्रक्रिया को थोड़ा और अच्छा और रोचक बनाया जाए, जिससे कि बच्चों को गृहकार करना अच्छा लगे। इसके लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारी नवाचार का नाम है गृहकार्य। बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार। अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट के निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश से अनुभव करते हुए बच्चों का गृहकार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देने का प्रयास किया जाता है। बच्चों का पाठ का पुनः अध्ययन होता है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस नवाचार क्रियान्वयन में 30 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। इस नवाचार पूर्व प्रबंधन में बच्चों की कक्षा में संख्या के आधार पर इतिहास किसे कहते हैं पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लानी होगी सभी बच्चों के लिए। इसमें हम बच्चों को पुनः अध्ययन प्रक्रिया में वर्तमान और भूतकाल में की जानकारी को दोहराएंगे, ठीक है। इसमें पहले इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आपने बच्चों को पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट की जानकारी दे दी है, बता दी है, व्याख्या कर दी है और बच्चों को सब कुछ पाठ के बारे में पता है। इसके बाद अब बच्चों को निर्देश देंगे कि बच्चों आपको घर जाना है और इस पाठ को आपको अपने अभिभावक और अपने परिजनों को बहुत अच्छे से बैठ के सुनाना है। इसके बाद आपको अपने अभिभावक और अपने परिजनों की मदद से आपको एक तालिका जो दी जाएगी उसको भर के लेके आना है। तालिका में आपको उनसे पूछना है कि पुराने समय में जो सिक्के चलते थे उनके समय में और अभी जो सिक्के चल रहे हैं, या आपको बुजुर्गों से पूछना है कि उनके समय में जो सिक्के चलते थे और अभी जो सिक्के चल रहे हैं उनमें क्या अंतर है, उसके बारे में आपको उनसे पूछना है। उसके बाद अपने शब्दों में उस तालिका में भर के लिख के आना है। बच्चों को तालिका दी जाती है, इसमें कि विद्यार्थी का नाम, पहले के समय में उपयोग किए जाने वाले सिक्के और अब आज के समय में उपयोग किए जाने वाले सिक्के, दोनों के बारे में अंतर लिखा हुआ है। तो दोनों को अंतर आपको स्पष्ट करके लेके आना है, यानी कि पहले जो सिक्के थे अब और अभी जो सिक्के हैं उनमें क्या अंतर है, उनसे पूछना है, फिर आपको लिख के लेके आना है। बहुत ही अच्छा रोचक नवाचार है। बच्चे लिख के लेके आते हैं और बच्चों को बताया जाता है कि आपको ये कक्षा में अगले दिन आके सभी बच्चों के सामने इसको पढ़ के सुनाना है, ताकि आपका ही पुनः अध्ययन होगा, जो बच्चे सुनेंगे उनका ही पाठ का पुनः अध्ययन होगा। और बच्चों को ये भी बताया जाता है कि अगले दिन जब आप इस तालिका को लेके आएंगे तब आपका पाठ का पुनः अध्ययन उसको दोहराया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को आप जो निर्देश लिख के लेके आएंगे, जो भी तालिका को भर के लिख के आएंगे उसके अनुसार आपको पाठ को दोहराया जाएगा। बच्चों को देखा जाता है कि बहुत ही रोचकता से बच्चे होमवर्क करते हैं, गृहकार्य करते हैं, उसको बात करके लिख के आते तो बहुत उत्साह के साथ उसको बताते भी हैं। इसी प्रकार देखा गया कि इतिहास किसे कहते हैं पाठ का पुनः अध्ययन गृहकार्य नवाचार की मदद से बहुत अच्छे से किया गया। सही बच्चों ने गृहकार्य किया और कक्षा में आकर सुनाया, इससे उनका ही पुनः अध्ययन हुआ, जो बच्चों ने सुना उनका ही पाठ का पुनः अध्ययन हुआ और बच्चों ने बहुत ही रोचकता से किया, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान उसमें देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम चाहते हैं कि आप इस नवाचार को भी अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने पार्सल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।